नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, बिहार में पहली बार बना बीजेपी का स्पीकर, विजय सिन्हा बने बिहार विधानसभा के स्पीकर। जी हां, बिहार में स्पीकर पद के लिए चुनाव के बीच कल भारी हंगामा देखने को मिला और आखिरकार विजय कुमार सिन्हा के नाम का मुहर लग गया। एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ऐसा पहली बार है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई स्पीकर बना है। बिहार विधानसभा के लिए अध्यक्ष पर निर्वाचित होने वाले विजय सिन्हा पहले भाजपा विधायक हैं। इससे पहले कभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं बना था। विजय कुमार सिन्हा ने राजद के विधायक अवध बिहारी सिंह को पटकनी देकर यह खिताब अपने नाम किया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा चौथी बार लखीसराय से जीतकर विधानसभा पहुंचे। बोल दो कोरोना हो गया है, एब्सेंट हो जाओ, सुशील मोदी का दावा। लालू ने जेल से किया बीजेपी विधायक को फोन। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के चुनाव के लिए रांची से लालू के भाजपा विधायक को कथित तौर पर फोन करने को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। इस सियासी बवाल के बाद भाजपा ने उन्हें वापस कोटवार जेल भेजने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेगी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के फोन मामले में भाजपा रांची हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेगी। उधर भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने लालू को तुरंत ही तिहाड़ जेल में भेजने की मांग करते हुए पूरे मामले की CBI जांच किए जाने की मांग कर दी है। मामले में भागलपुर की पीरपैंती सीट से चुनकर आए ललन पासवान ने ऑडियो के आधार पर दावा किया है कि लालू यादव ने उन्हें फोन करके मंत्री पद का ऑफर देते हुए सरकार गिराने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। ललन पासवान के अनुसार संयोग से उन्हें लालू यादव का फोन तब आया जब वह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास पर बैठे थे। अगली बड़ी खबर, बिहार में CM नीतीश की महत्वाकांक्षी जल नल योजना में अब 24 घंटे में दूर होगी शिकायतें। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जल नल निश्चय योजना की शिकायतें अब 24 घंटे के अंदर दूर होगी। इस योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिले, इसकी विस्तृत कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। इस योजना से जुड़े 3 विभागों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास विभाग की शिकायतें एक ही टोल फ्री नंबर 1800123111 पर प्राप्त करने की व्यवस्था है। 24 घंटे में शिकायतें दूर नहीं हुई तो उसकी सूचना संबंधित विभाग के ऊपर के अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। कोई भी लाभुक टोल फ्री नंबर पर फोन करके योजना से जुड़ी अपनी हर तरह की शिकायतें दर्ज करा सकती है। बड़ी खबर, बिहार में अभी और बढ़ेगी ठंड, न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा, 49 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। जी हां, पश्चिम की ओर से आने वाली हवा के कमजोर पड़ने और पुरवाई चलने से को राजधानी पटना और बिहार के कुछ हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत मिली। हालांकि गया में नवंबर में ठंडा का 49 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। मंगलवार को गया का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री तक पहुंच गया। 1970 के बाद नवंबर में गया का यह सबसे न्यूनतम तापमान है। 1970 में 29 नवंबर को गया में न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री पर पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पछवा हवा चल रही है, जो अपने साथ ठंड हवा ला रही है। चूंकि गया पहाड़ी इलाका है, इस कारण से ठंडी हवा का असर वहां अधिक पहुंचा और मंगलवार को अगली सुबह वहां का तापमान लुढ़क कर 6.5 पर पहुंच गया। इधर पटना में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार हुआ है और यह 10 डिग्री पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में मार्च तक 17,000 पदों पर बहाली, पुलिस महकमे में 11,408 पदों के लिए होगी परीक्षाएं। बिहार में दिसंबर माह से लेकर अगले वर्ष मार्च तक वनरक्षी, वनपाल, पुलिस चालक सिपाही, होमगार्ड में सिपाही व सिपाही चालक के लिए, परिवहन विभाग में चलन दस्ता सिपाही सहित कुल 11,408 पदों पर भर्ती परीक्षाएं होगी। वहीं 31 मार्च तक 17,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक के 484 पदों पर बहाली के लिए 16 दिसंबर को 37 जिलों के 383 परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में परीक्षा पदों पर बहाली के लिए कुल 354,186 अभ्यर्थी भाग लेंगे। बिहार में शराब बेचने वालों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जी हां, बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। बिहार पुलिस अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्करों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले से भी एक ताजा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने दो शराब तस्करों को 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। गोपालगंज के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि 5 गवाहों की गवाही और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही 5-5 लाख का अर्थदंड भी लगाया। एक माह में इस तरह का दूसरा फैसला सुनाया गया है। बड़ी खबर, 26 और 27 नवंबर को होगा पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम। परीक्षा हॉल में चप्पल, हाफ शर्ट या कुर्ती में आने पर ही मिलेगी एंट्री। जी हां, बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पारा मेडिकल डेंटल में नामांकन के लिए 26 और 27 नवंबर को एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए राजधानी पटना में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में खास बात यह है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आएंगे, उन्हें चप्पल, हाफ शर्ट या कुर्ती पहनकर ही आना होगा, नहीं तो उन्हें एग्जाम हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने लगभग सारी तैयारी कर ली है। इसमें परीक्षार्थी को चप्पल, हाफ शर्ट एवं कुर्ती पहनकर ही आने पर प्रवेश मिलेगा। फिर से बंद की जाएगी दुकानें, कोरोना को लेकर डीएम का बड़ा फैसला। देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। आए दिन कोरोना संक्रमण के हजारों लोगों की जान जा रही है। कोरोना को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट घोषित किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से और कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सभी निजी और सार्वजनिक वाहन पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन वाहन पर मास्क का उपयोग नहीं किए जाने पर वाहन को जब्त करने के साथ साथ मास्क नहीं पहनने वालों व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा। संक्रमण फैलने की आशंका द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय में काली स्थान, मेन मार्केट, कचहरी रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और फल मंडी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। निजी गाड़ी, टेम्पो, बस, ई रिक्शा में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा जिले में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल गठन का भी निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2020 84-15 पदों के लिए 21 मार्च को परीक्षा तैयारी शुरू। जी हां, बिहार पुलिस में सिपाही के 84-15 पदों पर बहाली के लिए मार्च में लिखित परीक्षा हो सकती है। 2021 की तारीख प्रस्तावित है। यदि सेंटर उपलब्ध हुए तो इसी तारीख को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस में सिपाही के 84-15 पदों पर बहाली के लिए इसी महीने चयन परिषद द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। चयन परिषद ने इसके लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यदि सेंटर उपलब्ध होता है तो अगले वर्ष 2021 में 21 मार्च से परीक्षा आयोजित की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तब बिहार में कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 763 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना महामारी की संख्या बढ़कर 232,460 तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1233 तक पहुंच गया है। राज्य में अब तक 225,447 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर राज्य में 746 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।
बिहार में प्राइवेट स्कूल के फीस वसूलने की मनमानी पर लगेगी रोक, नए नियम बनाकर सरकार लगाएगी लगाम। जी हां, राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि फीस वसूली की मनमानी पर नियंत्रण लगाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों का महत्व है, लेकिन उनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। मनमानी पर नियंत्रण के लिए नियम कानून बनाने पर विमर्श किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री चौधरी ने सचिवालय पहुंचकर विभाग का कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार और अन्य अफसर मौजूद रहे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में उच्च शिक्षा की बेहतर भी है, हम जल्द ही रिबुक करके कुछ मामलों में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने के लिए विशेष प्लान का काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, फिर प्रदूषित होने लगी है पटना की हवा। AQI लेवल 288 लगातार दूसरे दिन मुजफ्फरपुर से ज्यादा दूषित हवा बह रही है। राजधानी में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को AQI लेवल अधिक रहा। लगातार दूसरे दिन मुजफ्फरपुर से अधिक पटना के इलाकों में हवा प्रदूषित रही। मंगलवार को पटना का AQI लेवल 288 रहा, जबकि मुजफ्फरपुर का 256। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानक कहता है 201 से अधिक AQI लेवल है तो वहां की हवा की गुणवत्ता खराब है। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारी। नीतीश ने कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की समीक्षा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्यों को दो लक्ष्य दिया है, पहला कोरोना से मरने वालों की दर 1% से नीचे लाना और दूसरा संक्रमण के फैलाव की दर को 5% से कम करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर इसे व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। नीतीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरतते हुए काम कर रही है। उन्होंने इस क्रम में सरकार के कार्यकलापों की व्यापक की चर्चा की, इसके सार्थक नतीजों के बारे में बताया। प्रदेश में कोरोना के हालत के हवाले उन्होंने कहा कि इसका फैलाव ना हो, इसके वास्ते हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे वैक्सीन वितरण की रणनीति तैयार करें, इसके बारे में जल्द ही केंद्र सरकार को सूचित करें ताकि समग्र योजना तैयार की जा सके। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से पूछा कि उनकी कार्य योजना क्या होगी। शाम के 2 घंटों में पटना समेत पूरे बिहार में चला मास्क जांच अभियान। 6,740 लोगों से वसूले गए 3.5 लाख रुपए। जी हां, पटना पुलिस मुख्यालय के अनुसार मंगलवार की शाम 3:30 से 5:30 बजे तक चले इस अभियान में बगैर मास्क के 6,740 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 3,37,000 रुपया जुर्माना के तौर पर वसूला गया। इसमें पटना के अंदर 96 लोग को पकड़ा गया, इनसे 4,800 रुपये जुर्माना लिया गया। गया में सबसे अधिक लोग बगैर मास्क के घूमते पाए गए, 609 लोगों से 30,450 रुपया वसूल किया गया। बगैर मास्क के घूमने वालों में दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा रहा। यहां 449 लोगों से 22,450 रुपये वसूल किए गए। आनंद सिंह बोले, जनता ने तेजस्वी को सीएम बनाया, दूसरा सीएम नाटक है। सरकार चलने के सवाल पर कहा, सरकार है कहां जो चलेगी। मोकामा विधायक आनंद सिंह बुधवार को शपथ लेने व अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में हिस्सा लेने विधानसभा पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अनुरोध पर उन्हें बेऊर जेल से विधानसभा लाया गया। लालू यादव के वायरल ऑडियो और अध्यक्ष पद के लिए विधायक की खरीद फरोख्त के आरोप पर आनंद सिंह ने कहा कि वो किसी से इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, किसी और ने बात की होगी, ये सरकार बेमान है, हम लोगों को 15 सीटें हरवा दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू जी क्यों किसी को इधर उधर आने जाने के लिए कहेंगे। जनता ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया है, कोई अगर मुख्यमंत्री बना है तो वो नाटक है। एक सवाल यह भी उछला गया कि सरकार 5 साल चलेगी क्या। इस पर आनंद सिंह ने कहा, सरकार है कहां जो चलेगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब